हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जेपी के कई और इन्वेस्टर्स, आइए इनसे जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। तो सर, किस मुद्दे पर आज आप लोग गए थे जेपी से? हमारी एक मीटिंग थी मैनेजमेंट के साथ, जिसमें हम लोग उनसे जानना चाहते थे कि जो पोजीशन है वो कब तक होगा, फंड के सोर्स क्या होंगे, उनका प्रोजेक्ट प्लान क्या है, जो लोग अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस कर सकते हैं। ऐसे कई मुद्दे थे, हमारा एजेंडा था विच हैज बीन एड्रेस्ड टू देम। तो सर, क्या मीटिंग में क्या किस बात पर चर्चा हुई? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हुई। और क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष के तौर पर यह है कि दे आर सेइंग कि अब अप्रैल एंड में विल बी अनदर मीटिंग। जहाँ तक कासा आइल्स का सवाल है, 70 टावर्स में जो इन्होंने अक्टूबर में फाइनलाइज किए थे, कासा आइल्स नहीं था। अब जो इनके पास कुछ फंड के सोर्सेज से फंड आया है, उसमें कासा आइल्स के कुछ टावर्स जो होंगे वो पिक किए जाएंगे। वो कौन से टावर होंगे, कितने नंबर ऑफ टावर्स होंगे, वो भी इनको पता नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये था प्राइमा फेसी कि हमें ये बताइए कि कौन से टावर्स हैं, जिन टावर्स को आप पिक नहीं करेंगे उनको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। वी कुडंट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम देम। ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव कि वो काम कंप्लीट कर लेंगे। 1.5 साल का उन्होंने टाइम बताया है, तो मान लीजिए अगर ये मई में काम शुरू करते हैं तो वहाँ से 1.5 साल दे आर सेइंग। हमने के एंड तक उन्होंने ऐसा प्रपोजल बताया है, बट वही है कि प्रोमिसज तो पहले भी बहुत हुए हैं, कितना उसको ये कर पाएंगे उस पर डाउट है। उन्होंने कहा आज से जब हम 1 साल पहले आए तो ठीक है, लेट अस बी पॉजिटिव। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने 1.5 साल कहा है एंड लेट अस अज्यूम कि वो 1.5 साल में हो जाएगा, स्टिल देयर इज अ डिले। डिले तो है ही है। तो वो जो डिले है, उस डिले को हमारा मेजर पॉइंट जो है, उस डिले को सारे बिल्डर्स अक्रॉस इंडिया सेम ऑर्डर्स ऑपरेंडी है, उस डिले को कंपनसेट करने के लिए वेरी सिंपल, इंक्रीज द एरिया। इंक्रीज द एरिया मीन्स फिजिकली इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर्स में इंक्रीज हो रहा है। जो आपका कारपेट एरिया है वो वैसे ही रहता है, आसपास का एरिया जोड़ के उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। वो जो इंक्रीज एरिया होता है उसको हमें पे करना होता है, उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है आपके आपकी पेनल्टी से। सो बिल्डर इज सेफ। सो हु इज एट लॉस? जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसने इस बिल्डर को इस लेवल तक पहुंचाया है, हम जैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया पिछले 5-6 साल से, इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं अपने घर के लिए। वी आर नॉट प्रॉपर्टी डीलर्स, यस सर। हमने अपने खरीदने के लिए लिया है, राइट? सो हमारा पॉइंट बड़ा लिमिटेड सा है। वेदर इट्स रेरा, वेदर इट्स विच एवर गवर्नमेंट विच कम्स, वी आर हैप्पी दैट देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन स्टेट एंड देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंटर। वी आर वेरी वेरी होपफुल, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव दैट थिंग्स विल मूव नाउ। ओके, सो आवर ओनली पॉइंट इज जो भी गवर्नमेंट है वो इस बात को समझे कि बिल्डर्स का जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से वो खेलते हैं हमारे साथ, वो रेरा में आंसर होना चाहिए। विच मीन्स चाहे वो 2013 के पहले का बायर है, चाहे 2013 के बाद का बायर है, या आज का बायर है, या 10 साल पहले का बायर है, इसको आज तक पोजीशन नहीं मिला, उसको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिल्डर चार्ज कर रहा था पेनल्टी, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे द बायर शुड बी एबल टू चार्ज बैक द बिल्डर फॉर हिज मनी विच वी हैव पेड। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वट एवर इज द इंक्रीज ऑफ एरिया शुड नॉट बी चार्ज टू अस। हमने तो नहीं कहा इंक्रीज करने के लिए, हमने नहीं कहा ना, हमने इंक्रीज करने के लिए नहीं कहा, इन्होंने खुद से इंक्रीज किया। क्या घपला करके इंक्रीज किया, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेक्निकल गाइस। विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ कंज्यूमर, सो इसका कोई लीगली इम्पैक्ट भी नहीं है कि अगर हमारे कंसेंट के बिना एरिया इंक्रीज किया है तो वी डोंट वांट इट, टेक इट बैक, दैट शुड नॉट बी सेट ऑफ। अगर मेरा 1,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, ये मेरे को आज बोलते हैं आपका 1,500 हो गया, लेट्स से 1,300 हो गया, मुझे नहीं चाहिए, 300 ले लो, मेरे को मेरा 1,000 स्क्वायर फुट दे दो। अदरवाइज मैंने इनिशियली वी शुड हैव टेकन अ बिगर फ्लैट, हां मुझे चाहिए होता तो पहले 2,300 स्क्वायर फुट वाला ले लेता। व्हाई शुड आई गो फॉर अ 1,600 स्क्वायर फुट वाला फ्लैट? एग्जैक्टली। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि कुछ टावर्स पिक होंगे, वो भी अप्रैल एंड में बताएंगे। जो पिक नहीं होंगे उसके लिए कोई प्लान नहीं है, एंड वो एक टावर पिक करेंगे या 4 टावर पिक करेंगे उसका भी अभी तक कोई प्लान नहीं, कोई डिटेल। तो हमारा पॉइंट बड़ा लिमिटेड ये है, या तो हमें पोजेशन जो ये है 1.5 साल में दे रहे हैं उसका एक लिखित परिणाम दे कि ये ऐसे होने वाला है, वो 1.5 साल में देंगे तब भी, और अगर नहीं देंगे तब भी। दोनों ही केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको समझना चाहिए, जिन्होंने उनको वोट दिया है, कि पेनलाइज द बिल्डर, हमारी गलती से डिले नहीं हुआ है,
हमने ईएमआई पे किए हैं, हमने किराए भी भरे हैं, मैं आज भी किराए के मकान पे हूँ, मैं पिछले 5 साल से ईएमआई पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम तो हमारी गलती नहीं है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडर प्लानिंग, ओवर इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग मार्केट प्रेजिडेंस, इनके कंसल्टेंट्स की गलती है जिनको इन्होंने पे किया, पैसे खाए। दे शुड बी पेनलाइज्ड, दे शुड नॉट डिसइन्वेस्ट फ्रॉम अदर एरिया सेइंग कि हमको यहाँ पे अपने कंज्यूमर को या अपने बायर को पे करना है, एंड देन यू नो दे टेक मनी फ्रॉम द बैंक एंड अगेन इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड दे रन ऑफ। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दिस thousands and thousands of people who are, you know, waiting for these kind of projects to complete. I think that that's it. Is there anything else you want to add? Absolutely. Construction wala jo contract abhi andar pata chala hai uska 1500 crore rupaye baat hai, uske badle mein land dega to wo bhi baat hai, ab construction kaun karega? let me answer this. Not only construction wala contractor, even the property dealers who actually fooled us, उन सबका पैसा भी फंसा हुआ है। तो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने इनके साथ मान लो 2-3-4 साल तक काम किया, हम लोग को फंसाया, हम लोग की इन्वेस्टमेंट करवाई, उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। उसको भी वही जैसे हमारे लोग फ्लैट है, फ्लैट चिपका दिए गए हैं कि भाई तेरा पेमेंट तो हम दे नहीं सकते, हमारे पैसे नहीं है, ये लो फ्लैट कमीशन, दे हैव बीन गिवन फ्लैट और पार्सल ऑफ फ्लैट, करेक्ट, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। तो जैसे हम रो रहे हैं वो भी रो रहे हैं। अच्छा, इन दिस होल सिनेरियो वी आर नॉट ब्लेमिंग कि जेपी की गलती है, दे हैड बिग विजन, we were also with this, we also wanted a good place to live at a cheaper rate, that's why we did not invest in Gurgaon, we came here, right? Vision was fine, everything was going smoothly, markets came down crashing, whatever happened, hum log jp ko blame nahi kar rahe, hum sirf ye bol rahe hain agar unhone goof up kiya hai, apni galti ki hai kahin se bhi jo ho gayi galti, rectify kare, aaj to rectify kar sakte hain na usko, correct? So they have money, they have political connections, they have manpower, use it na, hum thoda na karenge unke badle mein।